गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मैम। यस, मैम राइट्स द बस्ट। टू पार्ट्स रिमेनिंग, थर्ड एंड फोर्थ। लेट अस स्टार्ट थर्ड पार्ट। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलैबोरेट प्लान्स सी हैड मेड हैड टू मेक फॉर इट। उसकी क्या थी ये फर्स्ट जर्नी? कौन सी जर्नी थी बेटा उसकी? केयरफुल थी वो, बड़ी ही सावधान थी, क्योंकि पहली बार जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। पेनस्टेकिंग मीन्स उसको बड़ी थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एंड इलैबोरेट प्लान्स, इलैबोरेट यानी कि विस्तार में, डिटेल में उसको क्या करनी पड़ी? प्लानिंग करनी पड़ी। सी हैड टू मेक फॉर इट, जो उसको इट मैंने जर्नी, जर्नी के लिए उसको बनानी पड़ी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइंस केम ऑन हर केम हर वे। थ्रिफ्टली क्या होता है बेटा? वर्ड मीनिंग में भी दे रखा, स्पेंड मनी केयरफुली, धन को, मनी को बहुत ही ज़्यादा बचा बचा कर खर्च करना, यानी कि देख देख कर खर्च करना, वो क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टली, यानी कि कैसे भी करके उसने फेयर के लिए क्या किया? मनी को सेव किया। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर, वट एवर मीन्स जो भी, वट एवर मीन्स स्ट्रे कॉइंस। स्ट्रे वैसे आवारा को बोलते हैं। स्ट्रे किसको बोलते हैं बेटे? आवारा को। और यहाँ पर स्ट्रे कॉइंस का मीन्स उसको यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, जहाँ से भी मिल जाते थे ना, वो उनको क्या कर लेती थी? बचा लेती थी। रेजिस्टिंग हर टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज बैलून्स एंड द लाइक, फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ द 60 पैसा। टोटल उसने कितने पैसे सेव कर लिए? 60 पैसे। टेम्पटेशन क्या होता है? लालच। टेम्पटेशन मैंने अट्रैक्शन, उसका जो अट्रैक्शन था किन चीज़ों के प्रति? पेपरमेंट्स खाने की गोलियां होती हैं ये, टॉयज खिलौने, बैलून्स और भी चीज़ें थी, और इन सब पर ना खर्च करके उसने क्या कर लिए? 60 पैसे बचाए। 60 ही क्यों सेव किए बेटे? बिकॉज शी नीड्स ओनली 60। 30 पैसा फॉर गोइंग एंड 30 पैसा फॉर रिटर्न। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। गाँव में एक विलेज फेयर लगा, मीन्स मेला लगा, तब तो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई। जब आपके सामने रसगुल्ले रखे हो, काजू की बर्फी रखी हो, और आपको वर्त हो, खाना ना हो, तो और भी मुश्किल हो जाती है। ना हो तो चलो अलग बात है, और उसके गाँव में एक मेला लगा तो उसको क्या हुई? बड़ी दिक्कत हुई। लालच जो था, लोभ था, जो रोकना बड़ा ही मुश्किल हो गया। बट सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। मनी भी थी उसके पास, इवन 60 पैसा थी। मैरी गो राउंड होता है झूला, उसमें जाने की उसने अपनी इच्छा को क्या कर लिया? दबा लिया। रेजोल्यूटली स्टिफल्ड क्या होता है? सप्रेस्ड, जबरदस्ती कोई इच्छा को दबा लेना। कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ। डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा? पक्का इरादा। यस, यू स्टैंड अप, रीड द नेक्स्ट लाइन बेटे, रीड। यस, रीड द नेक्स्ट लाइन वंशिका। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, गुड, सिट डाउन, व्हाई सिट डाउन। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। पैसे बचा लिए, इनफ मनी यानी कि काफी पैसे, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, घर से कैसे खिसके? स्लिप आउट होता है बाहर खिसकना। स्लिप आउट क्या होता है? वो बिना मम्मी की, मतलब मदर की नज़रों में आए हुए कैसे खिसके? पहली प्रॉब्लम क्या थी? मनी। मैंने तुम्हें बताया था मनी तो सबसे बड़ी होती है, और सेकंड क्या थी? घर वालों से छिपकर निकलना। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये उसने ज़्यादा डिफिकल्टी के बिना ही मैनेज कर लिया। मैनेज मैंने क्या होता है? इंतज़ाम करना। बट सी मैनेज एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, नैप को अंडरलाइन करो, नैप होता है हल्की सी नींद, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours, हो एक घंटे से लेकर 4 घंटे तक उसकी मम्मी हल्की फुल्की झपकियाँ लेती थी। कब? आफ्टर लंच टाइम, लंच टाइम के बाद। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर एक्सकर्शन, वल्ली हमेशा इन घंटों को कैसे यूज करती थी? एक्सकर्शन यानी कि बाहर जाती थी, घूमने चली जाती थी। एंड एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और वो कहाँ से देखती है?
as she stood looking from doorway of her house, कहाँ खड़ी रहती थी तुम्हें बताया था पहले? हाँ, घर के डोर पर. और sometime, कभी कभी, even ventured out into the village. Ventured क्या होता है? Went cautiously, सावधानी से जाना, साहस करके जाना, बाहर निकल जाती थी हिम्मत करके. कभी तो छोटी बच्ची है ना, थोड़ा डर लगता है दूर निकलने में. टुडे द सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. आज तो वो कहाँ जा रही है? विलेज से ही बाहर जा रही है. पहले तो घर से बाहर जाती थी, आज उसका एक्सकर्शन, उसका जो ट्रिप है वो कहाँ है? विलेज से ही बाहर, फर्स्ट टाइम. द बस रोल्ड ऑन. रोल्ड ऑन क्या होता है? चलते जाना. नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, लैंडस्केप थी वहाँ पर. एंड नाउ रशिंग थ्रू द टीनी हैमलेट. टीनी हैमलेट क्या होते हैं? छोटे छोटे गाँव. और पास्ट ऑन द ओल्ड वे साइड शॉप. और वहाँ पर शॉप भी बनी हुई थी गाँव के एक किनारे पर. समटाइम्स द बस सीम टू, बस के चलने के बता रखा बेटा, बस के बाहर क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या नहीं थी. एंड समटाइम्स द बस सीम टू द ऑफ द ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनोदर व्हीकल्स. कभी कभी ऐसे लगता है ना, हम पहली बार सवारी करते हैं कि वो दूसरे व्हीकल्स के अंदर ही घुस जाएगी. ऐसा नहीं होता, चलाने वाले को पता होता है. गोबलिंग होता है किसी और के अंदर एंटर कर जाना. ऐसा लगता था कि बस किसी और व्हीकल्स के अंदर चली जाएगी. दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स दैम, जो कि उनकी तरफ आ रहा है. टुवार्ड्स हमेशा बेटा बहुत बार आता है. टुवार्ड्स का मीनिंग होता है की तरफ. टुवार्ड्स का मीनिंग क्या होता है? की तरफ. और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. पेडिस्ट्रियन क्या होता है? जो पैदल चलते हैं. पेडेस्ट्रियन क्या होता है? अब जब भी आप ब्रिज वगैरह के पास जाओगे ना, पुल के पास, तो वहाँ पर लिखा होता है पेडेस्ट्रियन पाथ, यानी कि पथ यात्रियों का रास्ता, पैदल चलने वालों को. एक साइड में बना होता है ना फुटपाथ, वो किसके लिए होता है? बाइकर्स या साइकिलिस्ट के लिए नहीं होता, वो पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, पैदल चलने वालों के लिए. क्रॉसिंग द रोड बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूदली. लेकिन कैसे भी करके तो स्मूदली चली गई. ये तो बस में जो बच्चे टाइप बैठे हैं उनको डर लगता है ना, लेकिन बड़ों को तो पता है वो कैसे जाएगी. स्मूदली चली गई. लीविंग ऑल द ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड. ऑब्स्टेकल्स क्या होता है? बाधाएं. ऑब्स्टेकल्स क्या होती है? डिफिकल्टीज, बाधाएं. सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए सेफली. ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम. और पेड़ कैसे लग रहे हैं? कि भागते हुए उनके पास आ रहे हैं. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन देयर अदर डायरेक्शन. लेकिन जब बस रुकती है तो ऐसे लगता है पेड़ भी रुक गए हैं, सब कुछ रुक गया है दूसरी डायरेक्शन में भी. सडनली बस इसमें सीन बता रखा है सारा बस के बाहर का. इस पूरे पैरा में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक काऊ वाला सीन आएगा, गाय वाला सीन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड. छोटे बच्चों को जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो वो या तो फुदकते हैं या डांस करते हैं या क्लैपिंग करना. देखना तुम छोटे बच्चों को 10 साल से, या तो वो फुदकेंगे, सीधी चाल नहीं होगी उसकी, या क्लैपिंग या डांस करने लग जाएंगे. हा 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 हा, मज़ा आ गया. एंड हर हैंड्स वर विद ग्ली. ग्ली कई बार आएगा बेटा, इसको सर्कल कर लो. ग्ली क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस. ग्ली क्या होता है? हैप्पीनेस. अ यंग काऊ. यंग काऊ क्या होती है? छोटी सी गाय. यंग का मतलब जवान ही है, यहाँ पर यंग का मीनिंग है छोटी, और एल्डर का मीनिंग क्या होता है? बड़ी. यहाँ पर छोटी सी गाँव. टेल हाई इन द एयर. उसकी पूछ क्या थी? हवा में. तुमने देखा कभी पूछ उठाते हुए गाय वगैरह को? तो उनकी पूछ उठ जाती है. एंड वाज रनिंग वेरी फास्ट. क्या कर रही थी वो काऊ? हाँ, तेज दौड़ रही थी. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. मिडल बीच रोड में ही. एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और ऐसा लगता था बस के बिल्कुल सामने आ गई. इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? याद रख लेना, मैं पूछूंगी छोटी छोटी बातें तुमसे बार बार. इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है? सामने. द बस शोड टू क्रैवल. क्रैवल पहले भी आया था. क्रैवल जब, हाँ, जब धीमी रफ्तार हो जाती है ना, तो उसको क्रैवलिंग बोलते हैं. यहाँ पर बिल्कुल ऐसे घिसर घिसर के चलना. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. ड्राइवर ने क्या एक्शन लिया? हाँ, ओरन को बार बार बजाया. एंड बट द मोर ही honked. honked क्या होता है? हॉर्न बजाना. हॉर्न बजाना, honked means हॉर्न बजाना. मोर frightened द एनिमल बिकेम. और जो एनिमल है वो frightened मैंने डर जाता है. frightened मैंने डर जाता है. जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, सारे वर्ड मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे. वट इज़ द मीनिंग ऑफ frightened? वट इज़ द मीनिंग ऑफ honked? ठीक है, यू हैव टू टेल मी. इट्स कंपल्सरी, अदरवाइज यू विल क्रैम एट लर्निंग टाइम. द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप. और ऐसा लगता है कि एनिमल क्या बहुत ज़्यादा डर गया है. और गैलोप क्या होता है? उछल जाना. वो बार बार उछल रहा है,
तुमने जानवरों को उछलते देखा है, कितनी लंबी लंबी तो उनकी टांगे होती है, कैसे उछलते हैं डर के कारण। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार कहाँ आ रहा है, बस के सामने आ रही है, सॉरी गायें हैं। ये देखो पिक्चर भी दिखाई हुई है, बस है सामने और साइड में क्या है, काओ। काओ को कैसी पोजीशन में दिखा रखा है, रनिंग पोजीशन में। कैसे पोजीशन में अमन, रनिंग पोजीशन में। समहाउ, समहाउ क्या होता है भाई, थर्ड टाइम आ चुका है ये समहाउ, कैसे भी करके क्या होता है समहाउ, कैसे। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस समहाउ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे भी करके लिखने हैं। समहाउ मीन्स कैसे भी करके। दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, वल्ली के लिए ये सब क्या था, बहुत ज़्यादा फनी था। सी लाफ्ड, क्या किया उसने, हंसी एंड लाफ फिर से हंसी अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। कई बार तुमने नोटिस किया ना, हंसी आती है तो या तो पेट में दर्द कर देती है या आंखों से पानी निकल आता है, तो वो इतनी हंसी, इतनी हंसी, कई बार तीसरी चीज भी होती है वो मैं नहीं बताऊंगी, तो ठीक है, इतनी हंसी, इतनी हंसी कि क्या होता है उसकी आंखों से पानी निकल आया। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर उसको कहता है काफ़ी नहीं हंसली, कुछ ज़्यादा नहीं हंसली, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए कुछ बचा के रख लो कल के लिए कुछ बचा के रख लो। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द मूव्ड ऑफ दे रखा, मीन्स ये वहाँ से वो गायब हो गई, चली गई रोड से। एंड सून द बस बिकेम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग पे आ गई, रेलवे क्रॉसिंग पे। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन, स्पैक क्या होता है, धब्बा। जब आप ट्रेन को बहुत दूर से देखते हो ना, आपको बिल्कुल एक छोटी सी दिखती है, जैसे खिलौना गाड़ी हो, होती है एक्चुअली में बड़ी है, लेकिन दूर से क्या दिखती है, बिल्कुल स्पैक धब्बा सा दिखाई देती है। स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, यानी कि दूरी से वो एक धब्बे की तरह दिख रही थी, ग्रोइंग बिगर, और बड़ी होती जा रही थी, बिगर एज इट ड्रू नियर, ड्रू मैंने जैसे वो नज़दीक आ रही थी ना बस ट्रेन के, और वो बड़ी होती जा रही थी, क्या बड़ी होती जा रही थी, वेरी गुड, क्या बड़ी होती जा रही थी, ट्रेन। एंड देन इट रश्ड पास्ट एंड क्रॉसिंग द गेट विद ट्रेमेंडस रोयर एंड रैटल, ट्रेमेंडस क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ट्रेमेंडस क्या होता है, मात्रा में, रोयर एंड रैटल, यानी कि तुम्हें पता ही है कि ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है, बस ये रैटल और जो रोयर है ना उसकी साउंड के लिए आया, ट्रेन की साउंड के लिए, अभी तुम प्रैक्टिकली सुनते भी हो, है ना। शेकिंग द बस, जब ट्रेन आती है कितना वेट होता है, तो वो सब चीज़ों को क्या कर देती है, थोड़ा थोड़ा शेक कर देती है, हिला देती है। देन द बस वेंट ऑन, वेंट ऑन मैंने बस चलती गई, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और कहाँ से गुजर गई, ट्रेन के स्टेशन से। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, थ्रोफेयर होता है बिजी पब्लिक रोड, ऐसा रोड जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोफेयर, लर्न कर लेना। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, सारी बता रखा है कि अब बस कहाँ से मूव कर रही है, थोड़ा सा जहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, रोड बिजी हैं, ऐसी जगह से, यानी कि कहते हैं ना शहरों से गुजर रही है। वट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, ग्लिटरिंग क्या होता है, चमकते हुए, शाइन करते हुए, ग्लिटरिंग क्या होता है, शाइन करते हुए। ऑफ द क्लोथ्स एंड द अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज क्या होता है, थिंग्स फॉर द सेल, वर्ड मीनिंग में भी है, थिंग्स फॉर द सेल, बेचने के लिए चीज़ें। सच बिग क्राउड्स, वल्ली को ये सब चीज़ें देख के क्या होती है, क्योंकि वो अभी तक कहाँ तक सीमित थी, गांव में भी अपने घर के गेट तक, अब उसको ये सारी चीज़ें खिड़की से बाहर दिखाई दे रही है, तो उसको क्या लग रहा है, सारा सरप्राइज लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पूरा वही बस का सीन पढ़ा, ट्रेन के बारे में पढ़ा। एंड स्ट्रक डम्प विद वंडर वल्ली कैप एट एवरी थिंग, कैप क्या होता है, ऐसे मुंह, मतलब आंखें फटेगी फटी और मुंह खुला का खुला, ऐसे देखती रही वो, जब हमें कोई चीज़ ऐसे बस मन चाहे मिल जाए और कभी देखी ना हो तो बस ऐसे देखते रह जाते हैं ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। देन द बस स्टॉप्ड एट एवरी वन गोट ऑफ, गोट ऑफ फिर से आप तुम बताओ, गोट ऑफ क्या होता है, एक्सेप्ट वल्ली, एक्सेप्ट मैंने के अलावा, एक्सेप्ट मैंने अपार्ट के अलावा, वल्ली के अलावा सब उतर गई, वल्ली क्यों नहीं उतरी, क्योंकि वल्ली का मेन मकसद क्या था, ओनली बस राइडिंग था, उसका शहर देखना नहीं था, बस राइडिंग था, वो उसने करी ली। हे लेडी सेड द कंडक्टर, अब उसको लेडी नहीं, ओ सॉरी मैम नहीं, क्या कह रहा है, लेडी। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम रेडी नहीं हो उतरने के लिए, दिस इज एज फार एज यूर 30 पैसा टेक्स यू,
तुम उतनी दूर आ गई हो जितनी दूर का तुमने 30 पैसा दिया था। नो वल्ली सैड आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, कि मैं तो सेम बस में वापिस। वाई डोंट यू स्पीक बेटा, आप क्यों नहीं बोलते? ओनली 1, 2, 3 गर्ल्स ही बोलती हैं। रिस्पोंड एवरी वन बेटा। सी टुक अनदर 30 पैसा फॉर हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर। हैंडेड क्या होता है, पहले भी आ चुका है, हैंडेड टू, हाँ सौंप देना, पकड़ा देना। उसने पॉकेट में से अनदर 30, अनदर क्यों बोला, एक तरफ तो वो दे चुकी है, अब दूसरी साइड का उसने निकाला है और उसको क्या दे दिया बेटा, हाथ तो नहीं रुकने लग गया। अनदर 30 पैसा उसने क्या दे दिया, उसको कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग मैटर, इज समथिंग द मैटर, कुछ मामला है क्या? कंडक्टर को थोड़ी हैरानी होती है। नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। कहती है मैं कुछ नहीं, मामला है बस, मुझे बस राइड करनी थी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। हु इज सेइंग दिस, टू होम, कंडक्टर, व्हेन शी इज गिविंग द 30 पैसा फेयर ऑफ द अदर साइड। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर। वो कंडक्टर कहता है क्या तुम ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको देखना नहीं चाहोगी, तुम यहाँ पर हो तो बस में से उतर के। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। कहती है मैं तो डरती हूँ। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। कहते बस में आने में तो डर नहीं लगा तुमको, अब डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। कहते डरने की तो कोई बात नहीं है, वल्ली ने आंसर दिया। वेल देन वाई नॉट गो दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। कहते हैं कंडक्टर कह रहा है स्टॉल पे जाना, कुछ पी ले वहाँ जाके। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, कुछ भी डरने की बात नहीं है, जा सकती हो तुम। ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, पैसे ही है बेचारी के पास एक्स्ट्रा, 60 लेके आई है ना। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं लेके आऊँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। हुई सिंग कंडक्टर, नो आई डोंट हैव एनफ मनी, आ गई ना पैसों वाली बात। अब अल्ली क्या करिए, आई डोंट हैव एनफ मनी, एनफ क्या होता है, काफ़ी, काफ़ी मनी नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, बस मुझे मेरी, देखो टिकट की चिंता उसने पता कर लिया कि पैसे देते हैं तो टिकट भी लेते हैं, ठीक है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट एनीथिंग। कंडक्टर कह रहा है मैं ट्रीट दे रहा हूँ, चल तेरे को, ट्रीट क्या होती है, पार्टी, और ये कॉस्ट नहीं, मीन्स कीमत नहीं लगेगी इसकी। नो नो सी सेड फर्मली, फर्मली क्या होता है, मजबूती से। प्लीज़ नो, वल्ली कह रही है नहीं लेनी मुझे, मजबूती से कहती है। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड क्या होता है, ऐसे कंधे उचकाना, ऐसे करना, ठीक है, ठीक है, नहीं लेती तो नहीं लेती, ऐसे किया उसने। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, कुछ देर तो रुकेगी नहीं, सवारियों को चढ़ाएगी भाई वहाँ पे। एंड अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। अब क्वेश्चन देखो, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी, तुम्हें पता है कैसे सहसे, सारी ट्रांसपोर्टेशन को रोककर, बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ मैं बेटा, तुमने कर रख सुना है ना अभी, कैसे उसने सारे पैसे बचाए, क्या वो उसके लिए इजी था? No. नहीं। और किस दिन खास मुश्किल हो गया उसके दिन, विलेज फेयर के दिन। व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेक हर लाफ, वल्ली ने ऐसी क्या चीज़ देखी जिसको उसको हंसी आ गई, काओ, क्या देखी, काओ। व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, जब वो आया उसका बस का स्टॉप आया तो वो क्यों नहीं उतरी, बिकॉज सी डोंट हैव एनफ मनी एंड सी ओनली हर एम वाज टू राइड ऑन द बस। व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो ऑन द स्टॉल टू हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, क्यों नहीं जाना चाह रही थी वो, बिकॉज सी डजंट हैव एनफ मनी, ये सेम ही आंसर हो जाएगा। और सी वॉज वेरी फर्म, वो बड़ी मजबूत थी, डिटरमाइंड थी हर चीज़ में। क्लियर हुआ, दैट्स ऑल, थैंक यू।